नमस्ते, मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, ऑडियो वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी दशहरा सभी को, कि आपकी अंदर की रावण को मार के आप अपने अंदर की राम को जिताओ। मतलब मन की ऊपर आत्मा की स्तर में जाना। तो आज हम इस पे मेरी दृष्टिभंगी से, मैंने कैसे समझा है उस पर बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, ये अभी बहुत सारी कोर्सेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें बात कर रहे हैं। क्या ये नया चीज़ है? नहीं, ये बहुत पुराना चीज़ है। अगर आप परमहंस योगानंद जी का बुक पढ़ा है तो आप उसमें देखेंगे, एक जगह उन्होंने बोला है कि उन्होंने उनकी दीदी को बोला था कि जब वो छोटे थे कि कल देखना उनके हाथ में एक फोड़ा फुंसी टाइप का हो जाएगा। तो अगले ही दिन उनके हाथों में वो हो गया। मतलब ऐसे मैनिफेस्टिंग पावर था, इच्छा शक्ति था, फ्री विल था। तो ये बहुत पुराने दिनों से ये आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये अभी, बस इस वर्ड को, इस इंग्लिश वर्ड को अभी डाला गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जो भी चीज़ करते हो, सोचते हो, सबकॉन्शसली, कॉन्शसली और सबकॉन्शसली, वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होता है। और बहुत सारे टेक्निक भी सिखाया जाता है कैसे अब अच्छा चीज़ को आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे। पर मैंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में इसको कैसे समझा, मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। यहाँ बंगाल में एक राइटर हैं, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उनका एक स्टोरी था। तो उसमें तारानाथ तांत्रिक करके एक उनका एक स्टोरी का एक था, उनकी नाम से उन्होंने बहुत सारा स्टोरी लिखे थे। तो एक जगह एक आदमी, एक बुरा आदमी के घर में बहुत अनोखी चीज़ हो रहा था। बहुत बहुत नेगेटिव चीज़, जैसे पत्थर आना घर में, बहुत कुछ, जैसे पेड़ों का गिर जाना घर के ऊपर, घर की चीज़ों बिखर जाना, मतलब ये अचानक शुरू हुआ। बहुत दुर्गंध, स्मेल, ख़राब स्मेल घर में। तो उनकी दादा परदादा माँ काली का पूजा करते थे। तो उनके पास एक आयरन की बॉक्स था, उस बॉक्स में बोला जाता था कि माँ काली की आशीर्वाद, ऐसा कुछ रखा गया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे रोगों से, बहुत सारी चीज़ों से। जैसे उस जगह महामारी आया पर उनके घरों में नहीं आया। तो ऐसा शुरू हुआ। उस टाइम उनकी जो बेटा था वो कलकत्ता में था और वो गांव में थे, गांव के घर में ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने उनको बेटा को उस टाइम पे बोला जाता था, टेलीग्राम होता था, तब तो फ़ोन इतना था नहीं। तो उन्होंने टेलीग्राम किया और बोला कि तुम जल्दी वो आयरन बॉक्स को लेकर वापस आओ। तो वो आ गए। फिर उन्होंने, इसके अंदर बहुत सारे स्टोरी में बहुत सारी चीज़ हैं, तारानाथ तांत्रिक का भी इसमें रोल है, मैं उतना सारे चीज़ों में नहीं जा रही हूँ। फिर उन्होंने उस टाइम भी बहुत कुछ उस घर के अंदर, घर के बाहर, उनके गार्डन में, उनके घर के पीछे सारा चीज़ हो रहा था। घर के लोग बहुत डरे हुए थे। फिर उनकी जो सन था उसके ऊपर भी अटैक हुआ। फिर वो बुरे आदमी ने उस आयरन बॉक्स को लेकर घर के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन तैयार किया, जैसे हम भी जैसे मेडिटेशन में प्रोटेक्शन करते हैं, वैसा उन्होंने माँ काली का नाम लेते हुए घर के चारों तरफ घूमे उस बॉक्स को लेकर और बोला कि जो भी ऐसी ऊर्जा है जो हमारे लिए हितकारी नहीं है वो मेरे घर से बाहर जाओ, ऐसा उन्होंने बोला। फिर अगले ही दिन से उनके घर से ऐसा प्रॉब्लम होना शुरू होना, मतलब ऐसा प्रॉब्लम, सारा चीज़ बंद हो गया। तो इस चीज़ को ऐसा उन्होंने उन्होंने जब पूछा कि ये था क्या, तो उन्होंने, ताराना तांत्रिक ने बोला
कि ऐसा होता है कि हम जिस जगह बास करते हैं ये एक आयाम है, थर्ड आयाम है, लोक है, तो हमारे इस जगह ही दूसरे और भी आयाम हैं। प्रकृति कभी कभी टाइम उस दो आयामों को मिला देते हैं, मतलब किसी प्रकृति ने अपना ही कारण वो मिला देते हैं, तब दूसरे लोग मतलब उनको भी लगता है कि ये हमारे जगह घुस गए हैं, तब वो ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ था। फिर जब सारा चीज़ ठीक हो गया तो उसका बेटा ने वो तांत्रिक को आकर बोला कि मेरी बाबा की इच्छा शक्ति और उनकी ट्रस्ट से ये सारा चीज़ हो गया। तो बोला कैसे? फिर उन्होंने बोला कि उस आयरन बॉक्स को खोला और उसके अंदर पेपर था, मतलब वो पुराना पेपर वगैरह रखा था। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे? बोला कि जो असली बॉक्स था वो कलकत्ता भेजे गए थे मेरे बड़े सन की जब बीमारी हुआ था तब ठीक होने के लिए, तो वो ट्रेन में गुम हो गया। तो पापा बहुत दुख होगा पापा को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इसके ऊपर। तो मैंने ये कबाड़े वाले से ख़रीदा और उसके अंदर पुराने पेपर रख दिया और पापा को दे दिया। तो ये पूरा चीज़ बस मेरी पापा की इच्छा शक्ति और ट्रस्ट के कारण हुआ। तो इच्छा शक्ति की ये सारा चीज़ ये पुराने ज़माने से थे कि आप कितना चीज़ों को, उस चीज़ों को अपने ऊपर या अपने किसी भी चीज़ों के ऊपर आप कितना ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के ऊपर हमारी या हमारी इच्छा शक्ति कितना प्रबल है, या हम अपने फ्री विल के कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये बहुत जल्दी भी हो सकता है। आप पुराने ज़माने में बहुत सारे ज़माने की बहुत सारे घटनाओं में सीरियल में बाद में दिखाया गया ये देख सकते हैं कि साधु मुनि ऋषि मुंह से बोलते थे और वो चीज़ प्रकट हो जाता था। ये बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनका पूरा कॉन्शस और सबकॉन्शस सिंक्रोनाइज है, मतलब मन और आत्मा पूरा सिंक्रोनाइज है। वो जो भी करते हैं अपने आत्मा की स्तर पे, और ये पूरा ब्रह्मांड बनाया गया है, हम परमात्मा के अंश हैं, ब्रह्म के अंश हैं, मतलब छोटा सा ब्रह्म हमारे अंदर भी एक डाला गया। तो उन्होंने बोला ब्रह्मांड को, जो मैं जो बोलूँगी उसको उनको आपको मानना है, बुरा हो या अच्छा हो, तो मैं जो भी चाहती हूँ मेरे लिए ब्रह्मांड वो प्रकट करता है, वैसा ही चीज़ है। पर मैं कितना अपने फ्री विल को यूज़ कर पाती हूँ, जो चीज़ मैं बोलती हूँ वो कितना, वो सोल की लेवल पे कितना होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना मैनिफेस्ट होगा। अभी इसको हम, इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? अगर डर में कोई मैनिफेस्ट करता है लो फ्रिक्वेंसी में तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, या कोई भी लोअर फ्रिक्वेंसी में अगर कोई भी कुछ मैनिफेस्ट करता है, अगर किसी ने किसी को अभिशाप भी दे दिया, कार्ड्स भी दे दिया, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इतना लोअर फ्रिक्वेंसी में है। तो फ्रिक्वेंसी हाई होना चाहिए तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस ट्रांजेक्शन को भी। हम जो चाहते हैं कि हम इस फियर की दुनिया से लव की दुनिया को देखना चाहते हैं, हम हमारी सोल लेवल पे चाहते हैं कि हम उस लव को, उस दुनिया को, उस नए दुनिया को, अनोखी दुनिया को, मैजिकल दुनिया को, लव से भरे, प्रेम और प्रकाश से, लव और नॉलेज से भरे उस दुनिया को हम देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो वो हम कितना सोल लेवल पे चाहते हैं, कितना, या हम यूज्ड टू हो गए इस दुनिया में, क्या हमें इस दुनिया की ये सारा चीज़ अच्छा लग रहा है? तो हम जितना भी मुंह से बोले या डर के मारे बोले, कि डर कैसे, कि ये जो पूरा प्रलय होगा, हम जा वही तो मरना नहीं चाहते हैं। अगर प्रलय में प्रलय हो जाएगा, अगर ट्रांजंक्शन में नहीं जा पाए तो मर जाएंगे। तो इसीलिए इस डर के, मरने की डर से अगर कोई ये फोकस करते हैं इस चीज़ को कि मैं उस दुनिया में जाऊँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगा।
अगर आपकी सोल लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, अगर आपकी सोल लेवल पे लगता है कि सच में मुझे दुनिया से प्रेम है और इतना डुअलिटी, इतना वार, इतना दुख दर्द मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं उस प्रेम को, उस एकता को मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ सोल लेवल पे, वो डर के मारे नहीं, मतलब वो चाहना, वो ही चीज़ चाहना, डर से नहीं, प्रेम से। एक तो डर है कि प्रलय आ जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो हम मरना नहीं चाहते, तो हम उसके बाद भी देखना चाहते, इसीलिए हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो वो फियर बेस हो गया। पर लव बेस हमें करना पड़ेगा। अभी लव बहुत बड़ा चीज़ है, हम कैसे हायर फ्रिक्वेंसी में, तो हमें सोचना है कि हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को अगर हमें करना है, मैं स्पिरिचुअली बोलूँगी, हम इस ट्रांजंक्शन को ही देखेंगे सबसे बड़ी जो बात है, तो इस फेज को हम कैसे पार करें, अगर हम मेडिटेशन करना सारा चीज़ ये तो करना ही पड़ेगा, फिर भी हमारी फ्री विल सारा चीज़ एक से दूसरे, एक और दूसरा कड़ी जुड़ी हुई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशन, उससे लॉ ऑफ वन, उससे हमारी फ्री विल, सब जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को हमें पहले, लव बहुत बड़ी चीज़ है। अगर लॉ ऑफ वन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वन बोलते हैं हम सभी समान हैं, हम सभी एक हैं। आप एक चीज़ देखो कि जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ बम मार के जाते हैं, क्या आप उनको अपनी भाई समझ सकते हैं? पर लॉ ऑफ वन यही बोलते हैं। तो हम उतना दूर नहीं जा सकते अभी इस जगह बैठ के, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस फ्रिक्वेंसी में जाएंगे जो फ्रिक्वेंसी हायर हो और हम कर भी पाए, जैसे ग्रेटिट्यूड, जैसे थैंकफुलनेस, ऐसे फ्रिक्वेंसी मेंटेन करते हुए हम लव की फ्रिक्वेंसी पे एक टाइम जा पाएंगे। तो अभी सब लोग बोलेंगे इतना तो प्रॉब्लम है, तो हम कैसे थैंकफुल हुए। एक बहुत बहुत आप छोटी सी समझ लो, आप जन्म लिया, फिर आपकी आँख है, आप अपनी मदर को देखा, अपनी फादर को देखा, अपनी आँखों से देखा, अपनी कानों से सुना, अपनी चेहरे मुंह से अपनी अंदर की जो बात है वो बोल पाए। आप हेलन केलर की जैसे लोगों की बात सोचें, जिनका आँख नहीं था, जिनका कान नहीं था, जिनका मुंह में जुबान नहीं था, बात वो नहीं बोल पाते थे, ऐसे जिंदगी था। आपने बहुत लोगों ने हेलन केलर का मूवी भी देखा है, तो वो उसके लिए ये दुनिया कैसी है, पर आपके लिए है। अभी अगर इस चीज़ को आप सोचेंगे तो आप कितना थैंकफुल हो जाएंगे गॉड के ऊपर। अभी आप देखो कि बलूचिस्तान में, सीरिया में, जो गाज़ा पट्टी में, जो पैलेस्टाइन में लोग मर रहे हैं, वार हो रहा है, आप उस जगह नहीं, आप एक शांतिपूर्ण जगह बैठे हैं जहाँ आप जिंदा हैं, शांति से हैं, आपको खाना पानी मिल रहा है, तो आप कितना थैंकफुल होंगे। बहुत सारी लड़कियों को अपनी घर में, बंगाल में या पूरा इंडिया में मुझे नहीं पता, बंगाल की बात मुझे पता है, यहाँ पुराने ज़माने में जो हस्बैंड मरते थे तो उनके साथ उनके बीवियों को जला दिया जाता था, या अगर तब 5 साल में शादी कर दिया जाता था लड़कियों की, और अगर वो 7 साल में वो उनकी हस्बैंड मर गए तो पूरी ज़िंदगी उनको वैसे ही जीना पड़ता था, उनको वैसे ही सफ़ेद कपड़े, उनको कुछ नहीं, वो ज़िंदगी का कोई भी मज़ा नहीं ले सकते कि कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे हुआ था। अपने खुद की फैमिली उनको मोलेस्ट किया, अब्यूज़ किया। एकादशी के दिन एक छोटे बच्चे को, 7 साल के बच्चे को पानी नहीं दिया गया, वो उनकी पापा, उनकी मम्मी खाना खा रहे हैं और वो पानी के बिना बैठे हैं क्योंकि वो विधवा हैं, ऐसे किया गया। तो हम उस दुनिया में भी नहीं हैं, तो अपने आप को कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड आएगा गॉड के ऊपर कि मुझे उस जगह आपने जन्म नहीं दिया। आप समझो पाकिस्तान की जो हिंदू हैं उनका कैसा कैसा है उनका सिचुएशन, आप उस जगह नहीं हैं।
आप सोचो कि आप कोरिया में नहीं हैं, जिस कोरिया में पूरा उसको बाहर की दुनिया से आपको पूरा अलग कर दिया गया। उनके अंदर की लोग कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी बोलते हैं तो मार देते हैं। पूजा सिर्फ उनकी उनको कर मतलब उनकी जो हेड है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, उनको किया जाता है। अगर हम मानेंगे कि हम वहाँ नहीं जन्म लिया, हमने परमात्मा ने हमें इधर जन्म दिया, तो हम कितना थैंकफुल होंगे। आप रास्ते में जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, तो आप जब विंटर आते हैं, ठंडी आते हैं, तब आप देखते हैं कितने लोग ट्रेन के वो प्लेटफॉर्म में सोते रहते हैं, पर आपके पास घर है, आपके पास रजाई है, कंबल है। क्या इसको सोच के हम हायर फ्रिक्वेंसी में नहीं आ सकते? कितना थैंक्स आता है अंदर से। अभी मंदिर में जो भी लोग जाते हैं वो शिकायत करने जाते हैं, कितना लोग बोलते हैं थैंक यू। मेरी खुद की सिचुएशन में मैं थैंक यू बोल के नहीं थकती गॉड को, क्योंकि सौभिक की पापा बीमार है, पर अगर मैं कुछ नहीं करती तो मैं कैसे कैसे रहती। पर गॉड ने मुझे साकार किया, सक्षम किया, मैं एक परिवार को पाल रही हूँ। मैं थैंक यू बोलते नहीं थकती, क्योंकि सच में अगर इस चीज़ को मैं सोचती हूँ तो मेरी अंदर वो ग्रैटिट्यूड अपने आप आते हैं। तो ऐसे अपने आप को पॉजिटिव दिशा में, पॉजिटिव ऊर्जा में, हायर फ्रिक्वेंसी में लेके जाना है। पहले आप थैंकफुल हो, पहले आप ग्रैटिट्यूड दो, पहले आप इस फ्रिक्वेंसी में जाए, फिर आप लाभ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम नीचे से एकदम ऊपर नहीं उठ सकते, हमें एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा। तो इससे ही हम हायर फ्रिक्वेंसी में जा सकते हैं। उस हायर फ्रिक्वेंसी में खुश होकर अगर हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं या सोचते हैं, एकदम चाहते हैं, सोचते हैं, इच्छा शक्ति को एकाग्र करके, तभी वो हमारी फ्री विल बनते हैं और वही चीज़ ब्रह्मांड से हमारे लिए, हमारे सामने दुनिया में प्रकट होती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है मैनिफेस्टेशन। अब कितना भी टेक्निक लगा लो वो नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को ना माने तो। मनी के लिहाज से, लव के लिहाज से, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, कोई भी हो, यही चीज़ करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू इतना देर तक मुझे सुनने के लिए। बहुत दिनों से मैंने करंट एनर्जी अपडेट नहीं दिया, आगे दिया वो टेलीग्राम चैनल पे दिया है, मैं यहाँ पर भी दूंगी, एक दो दिन में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।